हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल देसी मिट्टी पे। और जो आप प्लांट स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है एरिका पाम। और आज मैं इसी प्लांट के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, कैसे आप इसे हरा भरा रख सकते हैं और इसकी क्या होगी टिप्स एंड केयर। और बस इसे रिपोर्ट भी करेंगे हम दोस्तों, तो इसकी रिपोर्टिंग के साथ साथ में हम इसकी जानकारी आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी आप किसी प्लांट को अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो उस प्लांट के पॉट में जो है आप पानी डाल दीजिए और उसे भरपूर पानी दीजिए दोस्तों, ताकि उसकी मिट्टी गिल्ली हो जाए और हमें उस प्लांट को वहां से निकालने में काफ़ी सहायता मिल जाती है उससे। तो ज़रूर से ये कीजिए और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा जो प्लांट है दोस्तों, ये बहुत ही पुराना होने की वजह से इसकी जड़ों ने काफ़ी हद तक इसे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है और नीचे से भी जड़ निकलनी शुरू हो गई थी दोस्तों। तो इस कुछ इस प्रकार से है इसकी जड़ और बहुत ही भारी और मजबूती से इसकी जड़ें वहाँ पे ग्रोथ कर गई है। तो अभी हम इसे निकालेंगे, इसकी सहायता से, हमारी बेलचे और खुरपी की सहायता से हम निकालेंगे दोस्तों इसे। तो देखिए, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और इसे बहुत ही आराम से हमें निकालना होगा, क्योंकि मिट्टी का गमला है दोस्तों, तो वो टूटने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं होती है रिपोर्टिंग के उस समय में। तो अभी हम आराम आराम से इसे यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद ही हम इसे दूसरी किसी पॉट में शिफ्ट कर पाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा ये प्लांट निकल के तैयार है रिपोर्टिंग के लिए। और देख सकते हैं आप इसकी जो जड़ें हैं, कितनी रूट्स कितनी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से डेवलप कर गई थी। और ये जो पॉट है इसके लिए बहुत छोटा हो गया था दोस्तों, तो इसे हमें किसी बड़े से पॉट में रिपोर्ट करना बहुत ही आवश्यक हो गया था, इसलिए हमने निकाला। और मिट्टी भी वेलड्रेन नहीं थी दोस्तों इसकी। तो अब हम जब हम इसे रिपोर्ट करने ही वाले हैं, तो एक अच्छी सॉइल जो कि वेलड्रेन हो, तो वेलड्रेन मीडिया सॉइल में ही हम इसे लगाएंगे दोस्तों। और एक ये जो है दोस्तों, एक ही एरिका पाम है, तो इससे हम मल्टीपल एरिका पाम भी बनाएंगे दोस्तों। तो देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। तो अब हम इस प्लांट में से इन दो प्लांट्स को अलग कर देंगे और
इसे दोस्तों निकालते समय हमें ध्यान देना होगा कि रूट्स जो है डैमेज ना हो, तो इसे होले से थोड़ा हिसाब से ही निकालिए यहाँ से। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, एक प्लांट मैंने वहाँ से निकाल लिया है और इसी प्रकार से एक और प्लांट को हम निकाल लेंगे जिसकी रूट्स भी काफ़ी अच्छे से डेवलप है दोस्तों, तो इसे ग्रो होने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। तो दोस्तों अब हम लेंगे एक पॉट, और देखिए ये वाला जो पॉट है दोस्तों हमारा प्लास्टिक का गमला है दोस्तों, इसमें मैंने छेद कर दिए है क्योंकि इसमें जैसे ही हम पानी डालेंगे तो वेल्ड्रेन सॉइल का इस्तेमाल भी करेंगे हम दोस्तों, और जो पानी है पूरी तरह से निकल जाना चाहिए नीचे, ताकि हमारे रूट्स में एरेका पाम की रूट्स में बिल्कुल भी फंगस ना लगे। तो आप इन जो छेद दिख रहे हैं दोस्तों ये मिट्टी से ना भूजे, इसके लिए आपको ये जो है नारियल के जो बूछ होते हैं, जो छिलका होता है दोस्तों, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। इन गड्ढों के ऊपर में रख दीजिए बिल्कुल गमले के नीचे में, ताकि ये नमी भी बनाए रखते हैं, क्योंकि एरेका पाम को जो है दोस्तों ह्यूमिडिटी की सख्त आवश्यकता होती है, इसमें नमी बनाए रखे तो हमारा जो प्लांट है बहुत ही हरा भरा होता है, तो उसमें सहायता देंगे ये, क्योंकि पानी पकड़ के रखता है दोस्तों ये, और पानी निकल भी जाएगा मिट्टी से, हमारे जो छिद्र है वो बिल्कुल भी बंद नहीं हो पाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो मिट्टी है पूरी ब्लैक सॉइल है दोस्तों, इस बार भी मैंने ब्लैक सॉइल का इस्तेमाल किया है, जो बड़ के नीचे की मिट्टी जो होती है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों मैं, तो देखिएगा आप, एक वीडियो आने वाली है मेरी ब्लैक सॉइल के ऊपर। तो ये जो है अब हम यहाँ पे अपनी ब्लैक सॉइल डालेंगे दोस्तों, और ये वेल ड्रेन सॉइल मीडिया है दोस्तों, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी सॉइल मीडिया है, और अब हम इसे हम यहाँ पे डालेंगे और फिर बाद में हम इसे एरेका पाम लगा देंगे इसमें। तो चलिए दोस्तों जल्दी से अब हम इसमें इस पॉट में मिट्टी डाल देते हैं और मिट्टी से भर देते हैं इसे, और फिर हम इसमें अपना प्लांट लगा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम अपने पॉट में इस प्लांट को लगा देंगे दोस्तों, और इसकी रूट्स को पूरी तरह से हम ढक देंगे और फिर हम इसमें पानी डाल देंगे दोस्तों। एक और मैंने ये निकाल लिया दोस्तों, अलग कर लिया एक प्लांट को। तो चलिए दोस्तों अब हम इस प्लांट को रिपोर्ट करते हुए इसकी टिप्स एंड केयर की भी बात कर लें। तो दोस्तों ये जो प्लांट है, अगर आप इसे फुल सनलाइट में रखते हैं तो इसकी लीव्स जो है हल्की सी येलोइश हो जाती है, जिसकी वजह से येलो येलो टाइप की एक टेक्सचर आ जाता है दोस्तों इसमें, इसकी पत्तियों में। और अगर आप इसे सेमी शेडेड एरिया में रखते हैं तो फिर बहुत ही अच्छी तरह से हरा भरा होता है हमारा प्लांट। और अगर आप इसे सेमी शेडेड एरिया में रखें, क्योंकि यह एक इंडोर प्लांट है दोस्तों, आप इसे इंडोर में रखिए, बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही एयर फ्रेशनेस भी रख सकते हैं दोस्तों इसे, तो बहुत ही अच्छा प्लांट होता है दोस्तों ये। तो इसे मेरी तो यही रिकमेंडेशन रहेगी आप लोगों से कि इसे आप सेमी शेडेड एरिया में रखें और वेल्ड्रेन सॉइल का इस्तेमाल करिए। और दोस्तों इसके टिप्स एंड केयर में बस इतना ही है। और दोस्तों आप अपने इस प्लांट को बुशी और हरा भरा रखने के लिए इसे आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं दोस्तों, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, या फिर दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल जो है, आपको 2 लीटर पानी में 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट डाल दीजिए, जिसे हम एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, तो 2 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए, और उसे पानी में डिसॉल्व करने के बाद आप एरेका पाम के पत्तों पर आप उसका छिड़काव कर दीजिए, जिससे आपके एरेका पाम जो है बहुत ही काफ़ी हरा भरा और बुशी हो जाएगा दोस्तों। और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना तो
ना भूले दोस्तों, उसका इस्तेमाल ज़रूर से कीजिए। और 15-20 दिनों में एक बार आप जो है मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव जो है पानी में डिजोल्व करने के बाद, जिस तरह से मैंने बताया आपको, तो आप वो कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है। और अगर दोस्तों आप अपने प्लांट की इससे भी ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, ये बहुत बड़ा हो, तो 2-3 साल बाद जो है दोस्तों यहाँ पे घना और बूशी होने के बाद में आप इसे अपने गार्डन सॉइल में डायरेक्ट ही गार्डन में लगा सकते हैं, क्योंकि इस पॉट में ये इतने छोटे पॉट में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है दोस्तों। 1-2-3 साल बाद इसकी जो है ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर आपको पॉट में ही चाहिए तो ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा ग्रोथ चाहिए इस प्लांट की, तो आप इसे गार्डन में ही लगाना होगा आपको। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने एरिका पाम के बारे में सारी टिप्स एंड केयर और जानकारियाँ जो है दे दी है। और यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें दोस्तों, और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।